चंद्रपुर जिले के गुंडपिपरी का इतिहास लंदन तक पहुंचा, वह किस प्रकार और किसके माध्यम से पहुंचा, देखते इस खबर में। चंद्रपुर जिले की पहचान आज लंदन तक पहुंच चुकी है। गौरतलब है करीब 500 वर्ष पूर्व वाकाटक काल के राजा पृथ्वीसेन द्वितीय की मिली राज मुद्रा पर चंद्रपुर इतिहासज्ञ अशोक सिंह ठाकुर तथा इतिहासकार अमोल बनकर ने एक शोध निबंध लिखा तथा उन्होंने इसे लंदन भेजा और हाल ही में लंदन से प्रकाशित हुए शोध निबंध जर्नल ऑफ ओरिएंटल न्यूमिस्टिक सोसाइटी में यह शोध निबंध प्रकाशित हुआ और इस प्रकार गुंडपिपरी तहसील के गोजेली गांव की पहचान आज विश्व स्तर पर हो चुकी है। वहीं संदर्भ में विस्तारपूर्वक जानकारी इतिहासज्ञ अशोक सिंह ठाकुर ने दी। पिछले साल जुलाई 2020 में चंद्रपुर के गुंडपिपरी तालुका के अंतर्गत आने वाला गुजोली गांव में रंजीत उड़ारे के पास में एक वाकाटक नरेश की एक सील प्राप्त हुई थी। वो सील वहां के एक पत्रकार नीलेश झाड़े ने मुझे लाके उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दी। ये बहुत गर्व की बात है कि वाकाटक नरेश का राज विदर्भ में था और विदर्भ में नागपुर के पास में नगरधन नंदीवर्धन उनकी राजधानी थी, लेकिन इस नाम के राजा की आज तक कोई मुद्रा हमें प्राप्त नहीं हुई थी और वो मुद्रा चंद्रपुर जिले के गुंडपिपरी तालुका में मिलना ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय था। मैं और पूना के अमोल बनकर हम दोनों ने मिलकर इस पर एक शोध निबंध लिखा और वो शोध निबंध हम लोगों ने लंदन भेजा। लंदन में ओरिएंटल न्यूमिस्टिक सोसाइटी है जो हर साल ऐसे जर्नल निकलता है, तो उन्होंने उस हमारे आर्टिकल को यानी हमारे शोध निबंध को वहां के जर्नल में उन्होंने प्रकाशित किया, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और खासकर मेरे लिए कि मेरा पहला आर्टिकल ऐसा है कि जो इंटरनेशनल जर्नल में छपा है। वैसे मेरे काफी आर्टिकल इंडिया के काफी सारे जर्नल में निकल चुके हैं, लेकिन हमारे चंद्रपुर का नाम विदेशों में जाना और विदेश के जर्नल में चंद्रपुर का नाम आना यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं इसके लिए मेरे सहयोगी अमोल वनकर का बहुत बहुत बधाई उनको देना चाहता हूँ कि ये आर्टिकल उनके कारण ही मेरा कंप्लीट हो।